नमस्कार, मैं हूं ममता। आप देख रहे हैं क्लिपर 28। वक्त हो चला है सिग्नेचर फूड का। तो आज हैं हम वैशाली दाते जी के यहाँ। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी। नमस्ते। आज आप हमें कौन सी डिश बताने वाली हैं? महाराष्ट्रियन डिशों में एक थालपिट बहुत अच्छे इसमें चलता है, जनरली नाश्ते में लिया जाता है उसको, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा फूड है, उसको थालपिट बोलते हैं। तो मैं बनाते समय आपको बताती जाती हूँ कि कैसे बनाते हैं करके। जल्दी से चलते हैं और जानते हैं कि कैसे बनेगी ये डिश। चलिए, तो हम आ चुके हैं वैशाली जी के किचन में। तो चलिए जानते हैं थालपीठ की रेसिपी कैसे स्टार्ट होती है। मैंने सबसे पहले आटा लिया है और आटे में डालने के लिए जितनी भी सामग्री लगती है मुझे, मैंने सबको ले लिया है। आपको बताती हूँ, ये मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन, तिल, और टेस्ट के अच्छा टेस्ट आने के लिए दही डालते हैं क्रिस्पी के लिए। और मैं इस आटे में ककड़ी का किस डाल रही हूँ इसमें, ताकि और स्वाद में और ज़्यादा अच्छा लगेगा करके। तो मैंने ये आटा लिया है, उसमें मैंने ये डाल दिया है सारा, गाजर का, खीरे का, और फिर उसके ये मैंने 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया, और फिर हल्दी जी, और धनिया पाउडर। ककड़ी आप जितना आटा लेंगे उसके हिसाब से ही आप खीरा को किस के ही डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। और तिल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब अपने आप में ही काफ़ी चीज़ें हैं। तिल, अजवाइन का काम बहुत अच्छा ही होता है, और थोड़ा सा दही ये डालना, ठीक है। उसके बाद मैं ये सारा चीज़ एक अच्छे से पूरे बॉयल में ये मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसको थालपीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथ से ही थापा जाता है, इसलिए इसको हम थालपीट बुलाते हैं। महाराष्ट्रियन में जनरली ये नाश्ता या रात में खाने में कुछ चेंज होना चाहिए तो थालपीट बेटर है, ऐसे करके तो वो लिया जाता है। तो जैसे कि वैशाली जी ने बताया कि इसे थालपीट क्यों कहते हैं, और हम देख रहे हैं कि उसे कैसे मैश कर रही हैं वो। और इसमें अजवाइन है, तिल है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप क्या जनरली बनाती हैं? मैं तो, हमारा तो बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे चकली चूड़ा हमारा स्पेशलिटी है तो महाराष्ट्रीय लोगों की जी। तो वो तो बनता ही है। पूरन की रोटी है, ये भी बनती है। और मैंने थालपीट इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत कम समय पे बहुत अच्छी हेल्दी फूड है। आप इसको मॉर्निंग में खा के आप अपने आराम से आप अपने वर्क के लिए निकल सकते हैं, ताकि आप लंच तक के आराम से रह सकें। हमने इसमें खीरा इस्तेमाल किया है जिसमें पानी होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें अब ज़्यादा पानी डालते हैं तो कुछ ज़्यादा गीला होने का, तो खीरे में ऑलरेडी पानी छूटता ही है, तो उससे अगर होता है तो ठीक है, पर लगता है आपको कि डालना है तो थोड़ा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे डालना है नहीं डालना है। जैसे मैंने ये डाल दिया, काफ़ी हो गया, ये लूज़ भी है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, तो ये मुझे थालपीट मतलब हाथ से थापना है, तो वो हाथ से थाप जाए उतना ही इसको डालना है। अब मैंने तवा रख दिया था गर्म करने के लिए, और इस पे मैंने ये, मेरा ये पूरा तैयार हो गया, ठीक है। अब ये मैंने ऑयल लिया, इस ऑयल को मैंने 2 चम्मच डाल दिया जी। ज़्यादा इसमें तेल नहीं डालते हैं जी, मगर अपने हिसाब से भी डाला जा सकता है, बट ये कि अच्छा ये करने के लिए। और मैंने ये थोड़ा हाथ में पानी लिया जी, ताकि ये ऐसा डोल बन सके जी। और फिर तेल इसमें हम अपने हिसाब से डाल दें। हाँ, तेल अपन ने हिसाब से डाल दिया और ये बन गया। मैं हाथ से ही थाप रही हूँ जी, जो मैंने बताया ये, इसको पतला, ज़्यादा बड़ा, जैसे हम डोल के हिसाब से कर सकते हैं, बट ये छोटे छोटे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, खाने में भी सहूलियत जाता है और बनाने में भी।
देखिए, ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी हमें देखने को मिल रही है, महाराष्ट्रियन डिश है। देख सकते हैं खीरे का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, इसमें वैशाली जी बना रही हैं, बीच में इसमें गैप हुआ है और तेल आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं इसमें। हाँ। तो घर पर ज़रूर बनाइए मराठी डिश जो है, इसके बारे में आप मराठी में क्या कहना चाहेंगे? मला माहिती आहे सगळ्यांना आवडेलच आहे, कारण की हे नाश्ता आयटम आहे आणि सगळे लोक बनवतात आणि तुम्हालाही आवडेल आहे। अब इसका हिंदी में भी मतलब बताइए। मेरा कहना यही था कि ये नाश्ते में अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। और मुझे विश्वास है कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको पसंद आएगा ही, थालपीट जी। तो ये नाश्ते के लिए बिल्कुल सिग्नेचर फूड है, आप ज़रूर बनाएं घर पे। मैंने आज जी बिल्कुल कम समय में तैयार हो गया। हाँ। है ये, और ये जैसे मैंने आज खीरा डाला है जी, इसमें आप बारीक प्याज का भी सी बन सकता है जी। बारीक प्याज डाल दिया, गाजर बारीक करके डाल दिया जी। कुछ भी एक वेजिटेबल्स डाल के या मिक्स वेजिटेबल्स डाल के भी आप इसको बहुत अच्छा से बना सकते हैं। और ये तो खाने में अपने आप खुद ही आप बताएंगे, अभी खुद खाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसका स्वाद कैसा है क्या है, तो पता है। बट ये है कि आप जितना वेजिटेबल्स डाल सकते हैं आटे में तो अच्छे से ये होता है। कम कम तेल डाल डाल के मैंने इसको सेका है। और ये हेल्दी भी होता है जब हम किसी तो बहुत अच्छा होता है जी। तो कोई वो दिक्कत नहीं है, बट ये नाश्ते में किस लिए खाने के लिए बोलते हैं कि लंच के लिए कभी वर्किंग में बहुत टाइम भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये फूड ऐसा है कि आपको बहुत टाइम तक के ये रख सकता है। अच्छा, तो इसमें कलर आ चुका है और ये रेडी हो चुका है लगभग, आप देख सकते हैं। तो आप दबा दबा कर चारों तरफ से थोड़ा सा अच्छे से सेकेंगे। हाँ, प्रेस करेंगे ना तो वो अंदर तक भी क्रिस्पी रहेगा और मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छा अंदर तक सिकाएगा तो आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा। वो कहीं कच्चा रहेगा पक्का रहेगा तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगी। ये अपना तैयार हो गया है, जैसे ही मैंने मिर्ची ये सब चीज़ तो डाल के बनाया है ना, अब इसको आप खा सकते हैं दही के साथ में। दही हो गया, सॉस हो गया, चटनी हो गई, कुछ भी चीज़ से, तो ये रेसिपी तैयार है। तो वैशाली जी की थाल पीट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्रियन डिश है। तो इसे हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि ये कैसी बनी है और आपके लिए घर पे बनाना कितना आसान है। ये तो आपने रेसिपी देख ली है, तो हम इसे टेस्ट करते हैं और चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये कैसी बनी है। चलिए, तो थाल पीट रेडी है और मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ कि ये कैसी बनी है और आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसा लग रहा है। दही के साथ इसे खा रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी है और मराठी डिश है तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, खूब सुंदर वैशाली जी। आपको कैसा लगा हमारा शो? हाँ, क्लिपर 28 के माध्यम से मुझे ये मौका मिला, मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ ममता और आपका भी, तो थैंक यू सो मच कि मुझे ये मौका मिला। तो सिग्नेचर फूड में आपको आज महाराष्ट्रियन डिश देखने को मिली है। आगे भी ऐसे एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे सिग्नेचर फूड, तो बने रहिए क्लिपर 28 के साथ। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट कीजिए। कैमरामैन होरीलाल के साथ ममता मानकर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।